हे एवरी वन, वेलकम बैक टू द आरसी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। और आज के वीडियो में मैं अपना इवनिंग का जो डिनर रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। और अभी मैं आम काट रही हूँ क्योंकि मैं मैंगो लस्सी बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आम काट दिए हैं और उसमें 2 स्पून शुगर ऐड किया है और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ। और मैं ब्लेंड कर रही हूँ और मैंगो लस्सी रेडी हो चुकी है। गर्मियों में मैंगो लस्सी सबसे बेस्ट रहता है बच्चों के लिए और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और साथ ही में मैंने एक एप्पल काट दिया है दोनों के लिए। और अभी मैं तो सबसे पहले तो मैं दाल और चावल दोनों को अच्छे से वॉश करके मैं भिगोल के रख देती हूँ ताकि बाद में आसानी से कुक हो जाए। और अभी मैं आटा गूंदने की तैयारी करूंगी। तो आज मैंने नया वाला आटा ख़रीदा है और पता नहीं कैसा होगा, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। तो सिंपल सा ही आटा गूंदती हूँ, सॉल्ट और ऑयल डाल के अच्छे से गूंद लेती हूँ। तो रीज़न वाइज मैं दाल चावल और आटा सबसे पहले कर देती हूँ ताकि दाल और चावल अच्छे से सॉक हो जाए और बाद में अच्छे से कुक हो जाए। और आटा भी यही रीज़न रहता है कि पहले गूंदो तो जब आप पराठा बनाने जाओ तो तब तक वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो वो 3 चीज़ें पहले मैं कर देती हूँ और उसके बाद मैं कटिंग वगैरह सारे काम करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो ग्रीन बीन्स बोलते हैं उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ आलू के साथ। तो मैंने ग्रीन बीन्स छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं और आलू भी मैं छोटे छोटे पीसेस में ही काटूंगी। और मैंने 2 मिर्च काटी है वो भी छोटे छोटे पीसेस में। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो उसमें मैं थोड़ा सा जीरा, मिर्च और हल्दी अच्छे से मिक्स करके जो मैंने वेजिटेबल काट के रखी थी उसको मैं ऐड कर लेती हूँ और सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और सिंपल सी ही रेसिपी है और मैं उसको कुक करने देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। और ये मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है, आप देख। तो अभी दाल के लिए तड़का लगा रही हूँ, उसमें मैंने ऑयल में राई ऐड की है, थोड़े मेथी के दाने, करी पत्ते और लाल मिर्च मैं ऐड कर लेती हूँ और ऊपर से मैं टमाटर ऐड करती हूँ। और उस थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ा सा सॉल्ट और अच्छे से पकने देती हूँ थोड़े समय तक। उसके बाद मैं उसको मैं दाल में मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड मैंने यहाँ पे किया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। तो सब्जी हो गई है, दाल हो गई है, चावल भी मैंने चढ़ा दिया है और लास्ट में मैं पराठा करती हूँ। रीज़न यही रहता है कि लास्ट में पराठा इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर पराठा खाने में गर्मा गर्म आप दो तो बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म पराठा। तो बस मैं ये इसकी वजह से मैं लास्ट में पराठा बनाती हूँ। और सारी चीज़ें हो गई है और मेरा इवनिंग का जो रूटीन रहता है वो हर रोज़ का यही रहता है। तो बहुत ही सिंपल सा इवनिंग रूटीन है मेरा और आई होप मेरा ये जो रूटीन है आपको पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के